तो आज मैं बनाने जा रही हूँ उत्पम और ये चटनी। तो देखिए उत्पम कितने परफेक्ट बने हैं, एकदम सॉफ्ट जालीदार। तो चलो बनाना शुरू करती हूँ और साथ में ये बनाई है मैंने चटनी। तो चलो दोनों चीज़ों को बनाना शुरू करती हूँ। तो देखिए सूजी के उत्पम बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1 कप सूजी, और सूजी को मिक्सी के जार में डाल देंगे। और 1 कप सूजी ले रहे हैं तो 1 कप हम दही ले रहे हैं, और अभी हम 1/2 कप पानी डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच चीनी डाल देंगे और अच्छे से पीस देंगे। तो ये लिया है मैंने बाउल। तो देखिए उत्पम का बैटर बनके तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। तो अब हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो अब बनाएंगे उत्पम के साथ खाने के लिए चटनी। तो 1/2 कप हम ले रहे हैं रोस्टेड मूंगफली, और 1/2 कप रोस्टेड चना दाल, और ये ली है मैंने 4 से 5 कलियां लहसुन की, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और 3 से 4 हरी मिर्च, और 1 नींबू का रस, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए, थोड़ा सा हरा धनिया, और थोड़ा सा पुदीना, और पानी। अभी हम इतना ही पानी डालेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी जब और पानी डालेंगे। तो अब हम चटनी को पीस देंगे। तो ये लीजिए चटनी बनके तैयार है। तो अब हम चटनी में लगाएंगे तड़का। गैस पे रख दिया है पैन, और पैन में डाल देंगे सरसों का ऑयल। ऑयल को अच्छे से गरम करेंगे पहले। तो देखिए ऑयल गरम हो गया है, तो ऑयल में हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, चम्मच राई के दाने। तो अब लगाएंगे तड़का। तो ये लीजिए अब हमारी मज़ेदार चटनी पूरी तरह से बनके तैयार है। तो अब हम बनाएंगे उत्पम। बैटर को रखे भी 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हम बैटर में डाल देंगे 1 पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट, और थोड़ा सा डालेंगे पानी, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इनो की जगह पे आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। तो मीठा सोडा 1 चम्मच भर के डाल दीजिए। तो आप बनाएंगे उत्पम, और अब बिल्कुल देर ना करें। पैन में लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल, मतलब बस ऑयल थोड़ा सा ग्रीस करना है, और एक एक करके चम्मच भर के हम डालते जाएंगे। कवर कर देंगे, अच्छे से सिकने देंगे। तो देखिए ये कितने अच्छे से सिक रहा है। तो देखिए एक उत्तम सिक गया है, तो हम हटा लेंगे। और देखिए इसमें कितनी अच्छी जाली बनी है। और मैं इस साइड से भी दिखाती हूँ, देखिए कितना परफेक्ट सिका है। तो हम दूसरा वाला भी सेकेंगे इसी तरह से। तो देखिए चटनी और उत्पम पूरी तरह से बनके तैयार हैं, और मैं एक पास से दिखाती हूँ। देखिए ये कितने सॉफ्ट और कितने स्पंजी, एकदम से जालीदार बनके तैयार हुए हैं। तो आज के हमारे उत्पम और चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।